बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और आप खुद सोचिए, कभी बैठ के मुराकबा किया कीजिए। आज हमें मुराकबों की आदत नहीं है, और आपको पता है मुराकबा इबादत की रूह है, इबादत की रूह। कभी आधा घंटा निकाल के सारे गमों से फारिग होकर तन्हाई में बस बैठ जाए करो, आंखें बंद करके अपना सोचो, क्या हूं मैं, किसने बनाया है, कैसी कायनात है, मकसद क्या है, मैं खाता भी हूँ पीता भी हूँ, ये दुनिया कैसे बन गई, कैसे चलती है, कितने आए थे चले गए, कितने ताकतवर ज़ईफ हो गए, कितने ज़ईफ कवि हो गए, कितने मालदार फ़कीर हो गए, कितने मालदार बादशाह बन गए, सोचो। आधा 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 घंटा कम से कम रोज़ बैठो, आधा घंटा नहीं 10 मिनट मुराकबा करो, सोचो, अल्लाह से बातें करो, उस वक्त अल्लाह से बातें। आज हम हर एक से बातें करते, अल्लाह से बातें करने का टाइम नहीं है, और है ये अल्लाह से बातें जैसे हम आपस ऐसे करो, अल्लाह मियाँ तूने मेरे हाथ कितने प्यारे बनाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। अब दुनिया में हर बंदे को कहते शुक्रिया, अंगूठी दे दे जी थैंक यू शुक्रिया, जिसे उंगली अता की उसका शुक्रिया नहीं, कोई टोपी दे दे जी थैंक यू शुक्रिया, जिसे सर अता की उसका शुक्रिया नहीं है, कोई कुर्ता दे दे जी थैंक यू शुक्रिया, लिबास दिया आपने, लेकिन जिसने तन दिया जिस पर लिबास सजेगा वो तन का शुक्रिया नहीं, कोई चश्मा दे दे जी थैंक यू शुक्रिया, जिसे आंखें अता की उसका शुक्रिया नहीं है, जो खुशबू दे दे जी थैंक यू शुक्रिया, आप सऊदीया की खुशबू ला बड़ी मेहरबानी आप जजाकल्ला जी, लेकिन जिसे नाक दी और कुव्वत शामा अता की जिससे खुशबू का लुत्फ मिलेगा उस नाक का शुक्रिया नहीं। बस मोमिन बंदा जब ये तन्हाई में बैठ के ये शुक्रिया करो, या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं था, तूने मुझे कुछ का कुछ बना दिया, मुझे तो खबर भी नहीं थी मैं यहाँ आता, बैठ के बातें करो अल्लाह से, आप देखोगे चंद दिन में कहाँ से कहाँ मनाजिल तय होने लगेंगे, कैसे अल्लाह तबारक व तआला मार्फत के दरवाजे खोल देंगे। आप अपने अब्बा से 4 दिन बैठ के तन्हाई में बातें करते हैं, अब्बा को आपसे ऐसी उंस हो जाती है, अब्बा कहता है ये मेरा बेटा बड़ा ताबेदार है, ये रोजाना मेरे पास 10 मिनट बैठ के जाता है, 10 मिनट बैठता मेरे हाथ चूमता है, अब्बा को उंस हो जाती है, जिस रब्बा से सुबह शाम तुम बैठ के आधा घंटा 15 मिनट बातें करोगे और तन्हाइयों में मुराकबे में सोचोगे, तो वो रब्बा तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा, उसकी तो एक निगाह पड़े तो जर्रे आफ्ताब बन जाते। तो खैर, तो मुराकबा ये बड़ी इबादत, इसकी भी आदत डालो, तन्हाइयों में बैठ के खुदा के बारे में अपने बारे में सोचो कि यार हम क्या है, फिर देखो खुदा कैसे आपके लिए अंदर की बसीरत की आंख, हम बसारत की आंख पर सारी मेहनत है, उसके लिए लेंस भी लगाते हैं, उसके लिए आंखें ब्लू भी कर लेते हैं, ग्रीन भी कर लेते हैं लेंस, ये यार ब्लू ब्लू आइस या ब्लू आइस देना यार मुझे, यार 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 ग्रीन आइस है या चश्मा यार ऐसा हो, या $1200 का चश्मा यार, $4000 का चश्मा देना, सारी बसारत पर मेहनत कर दी, इस बसीरत पर तो मेहनत करो, जो बसीरत की आंख अगर तुम्हारी खुल गई तो मैं वो नजर आएगा जो सर की आंख से नजर नहीं आता, हालांकि देखना वही देखना चाहिए, इसलिए तो अल्लाह वाले और हम में फर्क ये, अल्लाह वाले आंखें बंद करके निगाह झुकाते हैं वो देख लेते हैं कि जो हम सर उठा के नहीं देख सकते, दिल में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या लुत्फ है, सारे कायनात के बागों के अंदर इमाम रूमी फरमाते हैं हम दौड़ते भागते फिरते हैं, इन अल्लाह वालों को देखो सर झुका के अपने दिल पे निगाह है, सारे कायनात के बागों बहार उनके दिल के अंदर दौड़ रहे हैं, वहां बैठे बागों बहार का नजारा कर रहे हैं। तो हकीकत ये, तो अल्लाह तबारक व ताला के साथ बातें करो, मुराकबा।